सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में डबल स्ट्राइक थ्रू कैसे लगाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डबल स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हम डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं। तो देखिए, यहां से यहां तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब पे। ये रहा होम टैब। तो जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है ये फॉन्ट वाले बॉक्स में। ये देखिए फॉन्ट का बॉक्स है, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट आपको शो हो रहा है। हमको इस छोटे से एरो पे क्लिक करना है। आपको दिख रहा है ये छोटा सा एरो यहाँ पर? ठीक है, आप कंट्रोल डी प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको आप कंट्रोल डी कीबोर्ड पे प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इफेक्ट में, ये देखिए यहां पर आपको दिखता है सेकंड नंबर पे डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। बस यहां पर इसको इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाइए और नीचे ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि डबल स्ट्राइक थ्रू जो है वो वर्ल्ड पे लग गया। ठीक है।